अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जिस गाड़ी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदा इस गाड़ी से फेमिलियर है और जितनी देर से ये पाकिस्तान में आ रही है ऑलमोस्ट हर बंदा जिसने गाड़ी रखी हुई है या गाड़ियों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है उस बंदे को इस गाड़ी के बारे में सारा पता है। ये गाड़ी कब से आ रही है पाकिस्तान में? जी मैं बात कर रहा हूँ होंडा सिटी की। ये गाड़ी जो है ये ऑलमोस्ट 2009 से जो है ये प्रोडक्शन में आ रही है और 2009 से लेकर 2020 आ गया, अभी तक शायद ही इस गाड़ी में कोई चेंज किया गया हो मां सवाए थोड़े बहुत जो इसकी फ्रंट ग्रिल है उसके चेंजेस हैं या कुछ थोड़ी सी बैक लाइट्स या इंटीरियर का कभी कलर चेंज कर दिया, कभी लाइट कर दिया, कभी डार्क कर दिया, टू टोन कलर में कर दिया। इसके अलावा इस गाड़ी में कभी कोई चीज़ चेंज नहीं की 2009 से लेकर अब तक। मेरे पीछे ये वेरिएंट खड़ा है, ये 2018 मॉडल है और इस वक्त जो इस गाड़ी की नई की प्राइस है वो 23,91,000 रुपये है, सिर्फ बेसिक मॉडल की। उसमें कोई चीज़ नहीं आती, ना कोई स्क्रीन आती है, ना कोई नेविगेशन आती है, सिर्फ बेसिक मॉडल आता है 1.3 मैनुअल। इतना टाइम इस गाड़ी को आते हुए पाकिस्तान में हो गया, मेरा ख्याल है कि अब होंडा वालों को जो है वो कुछ सीरियस होना चाहिए इस गाड़ी को लेके, क्योंकि इस वक्त इसका कंपटीशन जो है वो मार्केट में आ चुका है और अगर होंडा वालों ने इस गाड़ी को चेंज ना किया या इस गाड़ी को जो इसकी लुक्स हैं उनको फ्रेश ना किया, उनको चेंज ना किया, तो मे भी ये होंडा सिटी के लिए जो है वो बड़ा ख़तरा बन सकता है। अगर मैं गाड़ी के डिज़ाइन की बात करूं तो गाड़ी में शायद ही 11 सालों में जो है वो कोई मेजर जो है वो चेंज किया गया मां सवाए ये जो इसकी फ्रंट ग्रिल आती है, ये पहले सिंपल आती थी, उसके बाद इसको क्रोम कर दिया गया, फिर इसकी थोड़ी सी शेप जो है वो चेंज की 2017 में, अब इन्होंने फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और उसको फेस लिफ्ट का नाम दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता इसको फेस लिफ्ट कहते हैं क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ये वाकई फेस लिफ्ट है या नहीं। एक चीज़ जो होंडा ने बाद में एक चीज़ स्टैंडर्ड कर दी वो ये थी कि इसके साइड मिरर में पहले जो 1.3 वेरिएंट आता था सिंपल उसमें ये लाइट नहीं आती थी और उसके बाद ये इन्होंने स्टैंडर्ड कर दी और इसमें ये जो लाइट थी उसकी एडिशन हो गई। सेम एज़ इट इज़ जो गाड़ी की बैक साइड है वहाँ पे भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं। पहले जो इसकी जो ये लाइट थी इनका जो अंदर से ये जो डिज़ाइन था ये और आता था, उसके बाद जो था इन्होंने डिज़ाइन को चेंज करके इस तरह का कर दिया, लेकिन लाइट्स की जो शेप है वो वही है। गाड़ी के अंदर चलता हूं और देखता हूं गाड़ी में जो है वो क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं है। आ गया हूं गाड़ी के अंदर और गाड़ी का जो इंटीरियर है वो ऑलमोस्ट सेम आता है। जब इनिशियली ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो जो ये इसका इंटीरियर था ये ब्लैक कलर में आता था सारे का सारा, दरवाज़ों का भी पैटर्न और ये वाला भी। अब इन्होंने क्या किया था कि ये टू टोन में कर दिया, उसके बाद अब जो नया मॉडल आ रहा है उसमें ये जो है ये सारा वाइट कर दिया। इसके अलावा इसमें गाड़ी में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया 2009 से अब तक। ये गाड़ी का ग्लव बॉक्स है, गाड़ी का जो आर्मरेस्ट है उसमें कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और इसके ऊपर फैब्रिक का कपड़ा लगा हुआ है जो कि बाय द टाइम काफ़ी गंदा हो जाता है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इस गाड़ी में आती है। इसके अलावा जो है इस गाड़ी में आपको जो है 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और इसके अलावा कप होल्डर्स के आगे जो है आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ग्लासी रखे हुए हैं और उसके ऊपर जो है आपको एक सिगरेट लाइटर मिल जाएगा। इसके अलावा जो गाड़ी का कंसोल है उसमें जो है सिल्वर प्लास्टिक का शेड दिया हुआ है और ये जो अंदर ये जो टच स्क्रीन है ये तो आफ्टर मार्केट ये जो है ओनर उन्होंने लगवाई है, वरना इसमें बेसिक सिंपल जो है आपको ऑक्स की कनेक्टिविटी मिलेगी या फिर यूएसबी जो है उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो गाड़ी का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे आपको जो है एसी और हीटर के पॉइंट मिल जाते हैं और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल सिंपल है यूज़ करने में। आप ड्राइव कर रहे हैं इनको बड़ा ही ईजी है आसान करना इंस्टेड वो टच वाले पैनल या उनसे। इसके अलावा जो दरवाज़ा है वहाँ पे भी आपको वो सिल्वर पट्टी मिलेगी प्लास्टिक की और कुछ जो है वो विंडो कंट्रोल और मिरर कंट्रोल मिल जाएंगे। कुछ स्टोरेज स्पेस जो है आपको एसी के वेंट के नीचे मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो सिंपल है, उसमें कोई बटन वगैरह नहीं आता और गाड़ी का जो दरवाजे हैं उनमें भी आपको जो है स्टोरेज के लिए कटआउट मिल जाते हैं और दरवाजे के जो आर्म रेस्ट है वहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिलेगा और साथ में वो देखें कि जो फैब्रिक है वो काफ़ी गंदा हो जाता है। खैर ये तो बाद में आफ्टर मार्केट आप इसको जो है वो लेदर या कोई और चीज़ से ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा होंडा सिटी जो है इसमें अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो इसमें सिर्फ ABS ब्रेक्स आती हैं। एटलीस्ट अब जितनी गाड़ी की प्राइस हो गई है या जिस तरह का अब कंपटीशन है मार्केट में, होंडा का जो है इसमें 2 एयरबैग तो लाजमी देने चाहिए या स्टेयरिंग पे कंट्रोल देने चाहिए। एक तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, दूसरा ये कि इस गाड़ी की जो सेल है होंडा की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी जो है ये होंडा सिटी है, तो आई होप जो है ये होंडा इसको इसमें ऐड कर दे जल्दी। अभी मैं बैठा हूँ गाड़ी की बैक सीट पे और जो मेरा नी रूम है वो अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा जो है गाड़ी का जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, यहाँ पे छोटा सा हम्प है लेकिन ठीक है, यहाँ पे जो 2 बंदे हैं वो बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कप होल्डर का कटआउट दिया है लेकिन कप होल्डर तो इसमें छोटा ही आ सकता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं आएगा। अच्छा अब मैं बैठा हूँ गाड़ी की बैक सीट पर और जो मेरा हेडरूम है वो ये देखें
ठीक है, बस थोड़ा सा मतलब जो है मेरे लिए बचता है। अगर मैं इस तरह बैठा हूँ तो मेरे लिए ठीक है, अगर मैं जो है वो ऐसे सर पीछे करता हूँ तो ये मेरा सर टच करता है। और अगर 6 फुट का बंदा है या 6 फुट से लंबी हाइट का बंदा है, उसके लिए ऐसे करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस तरह बैठा हूँ तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गाड़ी में मैं बात करूँ ना बूट स्पेस की, तो जो गाड़ी की ओपनिंग है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ से ये जो कट आउट है ना ये इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी अंदर से जो बूट है वो ठीक है, वो अच्छे साइज़ का है। यहाँ पे आपका जो एक लार्ज सूटकेस है वो बड़े आराम से आ जाएगा, और ये थोड़ा डीप भी है, और इसमें इसका जो आपका सामान है वो इसमें एक लार्ज सूटकेस और एक जो है मीडियम साइज़ का सूटकेस वो बड़े आराम से आ जाएगा। इसके अलावा जो है इस गाड़ी में एक स्पेयर व्हील भी आता है, ये देखें। एक चीज़ जो पर्सनली उस गाड़ी में मुझे जो है वो अच्छी नहीं लगती वो ये है कि जिसके जो ट्रंक ऊपर वाला हिस्सा ये सारा एक्सपोज है। एक तो इसमें ये एक डस्ट बहुत जाएगी, दूसरा ये है कि अगर ये इसको कवर किया हो तो ये कितना अच्छा लगेगा। इवन करोला XLi में भी ये जो है ये कारपेट कवर है। तो ये गाड़ी जो है जिस तरह की इस गाड़ी की सेल है, कम से कम होंडा को इसमें जो है एटलीस्ट वैल्यू टू मनी तो देनी चाहिए ना, जितनी प्राइस में अब गाड़ी ये हो गई है। इस वक्त जो इस गाड़ी का जो कंपटीटर है वो है टोयोटा यारस, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। लेकिन उस गाड़ी और इस गाड़ी में जो डिफरेंस है वो ये है कि उस गाड़ी में एयरबैग्स भी आते हैं, उस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल न्यू है, उसका इंटीरियर इससे डिफरेंट है। और मैंने उस गाड़ी की भी वीडियो बनाई है, अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो जो है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से 1.3 का जो है वो आप मेरा रिव्यू दे सकते हैं, और आप देख लेंगे कि इस गाड़ी में और उस गाड़ी में क्या क्या डिफरेंस है। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है तौकीर ज़फ़र 03, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं तौकीर ज़फ़र 03, और इन पेजेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हों उसका अलर्ट आपको मिल जाए। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।